प्रदेश वासियों को अब सितंबर से ज्यादा बिजली बिल के दाम चुकाने होंगे क्योंकि विद्युत नियामक आयोग ने 8 अगस्त को बिजली की नई दरें घोषित की है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कीमतों में लगभग 5% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं प्रदेश में बिजली के दाम 2 साल बाद बढ़ाए गए हैं। दरअसल बिजली कंपनियों ने मध्य प्रदेश राज्य नियामक आयोग से 12% की बढ़ोतरी करने की मांग की थी, लेकिन आयोग ने अधिकतम 7% दरें बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसमें खास बात यह है कि नए टैरिफ में 51 से 150 यूनिट का नया स्लैब बनाया गया है, जो इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत सभी वर्ग को ₹100 में 100 यूनिट बिजली का लाभ देने के लिए तैयार किया गया है। गैर घरेलू उपभोक्ताओं पर 4.9% की बढ़ोतरी की गई है। बिजली के नए टैरिफ में किसानों को सबसे बड़ी राहत दी गई है। अब 10 हॉर्स पावर तक के फ्लैट रेट पर किसानों को मात्र ₹700 प्रति हॉर्स पावर की दर से बिल देना होगा, यानी साल में उसे ₹7,000 देने होंगे। पहले यही दर ₹1,400 प्रति हॉर्स पावर थी। इससे प्रदेश के 27 लाख किसानों को फायदा होगा। नए बिजली दर को इस तरह से समझिए, किस तरह से वो महीने की खपत यूनिट को पुरानी और नई दर में कैसे स्लैब से फायदा होगा और कैसे देना होगा। महीने की खपत यूनिट में पुरानी दर नई दर रुपए मासिक। 0 से 30 एक बत्ती कनेक्शन पर ₹3.10 से ₹3.25, 0 से 50 यूनिट पर ₹3.85 से ₹4.05, 51 से 150 यूनिट पर ₹4.70 से ₹4.95, 151 से 300 यूनिट पर ₹6 से ₹6.30, 300 से ऊपर यूनिट पर ₹6.50, 250 यूनिट खपत है तो पहले 50 यूनिट पर ₹4.05, अगले 100 यूनिट पर ₹4.95 और अगले 100 यूनिट पर ₹6.30 के हिसाब से बिजली बिल देना होगा। न्यूज़ डेस्क।